हाय फ्रेंड, आज हम बनाएंगे आलू की चटनी। इसे आलू की पचड़ी भी कहा जाता है। ये साइड डिश की तरह खाया जाता है, इसलिए मैंने ये 3 उबले हुए आलू लिए हैं। अब हम उसको स्मैश करेंगे। इसको अच्छे से स्मैश करना है। हमने आलू को स्मैश कर लिया है। अब हम इसमें मिलाएंगे एक कटा हुआ प्याज। एक कटी हुई हरी मिर्च है, वो मिलाएंगे। ये भुने हुए और क्रश किए हुए मूंगफली है, ये मिक्स करेंगे। फिर मेरे पास ये थोड़ी सी लाल चटनी है, वो मिलाऊंगी। अगर आपके पास नहीं है तो एक पिंच भर आप लाल मिर्च पाउडर भी डाल सकते हैं। फिर हम इसमें धनिया पत्ता मिलाएंगे। और अब हम थोड़ा सा नींबू डालेंगे, 1 टेबलस्पून के करीब उसमें हम नींबू का रस डालेंगे। और 1 टेबलस्पून तेल डालेंगे और स्वाद के अनुसार नमक डालेंगे। अब हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। सब हम एक साथ मिक्स कर लेंगे। ये खाने में बहुत मज़ेदार है, एकदम चटपटी है। इसमें नींबू है, तीखा है, बहुत टेस्ट में अच्छी लगती है। इसे आप साइड डिश की तरह खा सकते हैं। तो हमारी आलू की चटनी तैयार है। अब हम इसको सर्व करेंगे। तैयार है हमारी आलू की चटनी। ये झटपट बनने वाली रेसिपी है, आप इसे एक बार जरूर ट्राई करें। थैंक यू।